आप देख रहे हैं इंद्रप्रस्थ की साप्ताहिक बुलेटिन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विथी ज्योत और ये है इस हफ्ते की खेल खबरें। उड़ीसा और पंजाब ने 11वीं हॉकी इंडिया महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश पर जीत दर्ज की। चंडीगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ने भी दूसरे दिन अपने अपने मैच जीते। बंगाल की स्वदेश मंडल ने 37वीं सब जूनियर और 47वीं जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में 400 मीटर मिडिल में कर्नाटक के श्रेयांग गांगुली को हराया। चैतन्य पांडे 2021 यूएस किड्स गोल्फ इंडिया नॉर्थ टूर में लगातार जीत हासिल करने वाले 5 खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी के रूप में उभरे। अंडर 10 सेगमेंट में खेलते हुए चैतन्य, जो गुरुवार को पहले इवेंट में प्लेऑफ से गुजरे थे, उन्होंने दुबई के सिदन शबर पर 3 शॉट से जीत हासिल की। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में कोरिया की आन सियांग से हारकर बाहर हो गई। वह ब्रेक के बाद वापसी कर रही हैं, लेकिन अपने पहले टूर्नामेंट में खिताब जीतने से चूक गई। अगस्त में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद वह पहला मैच खेल रही सिंधु 5वीं वरीयता प्राप्त प्रतिद्वंदी का सामना नहीं कर सकी और 36 मिनट में 11-21, 12-21 से हारकर बाहर हो गई। पूर्व जूनियर विश्व चैंपियनशिप निकट जरीन ने गुरुवार को राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप के शुरुआती मुकाबले में गोवा की सिया वाल्की पर जीत दर्ज करके दूसरे दौर में जगह बनाई। तेलंगाना का प्रतिनिधित्व कर रही जरीन एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक भी जीत चुकी हैं। ओडिशा एससी युवा टीम के 3 स्थानक देवेंद्र स्वाने, अक्षुण्य त्यागी, वैनलाल रेमत लुंगा ने सीजन से पहले उड़ीसा एफसी की इंडियन सुपर लीग की टीम में जगह बनाई। उड़ीसा एफसी अपनी इंडियन सुपर लीग की शुरुआत 24 नवंबर को बेंगलुरु एफसी के खिलाफ गोवा के तिलक मैदान स्टेडियम में करेगी। ग्रैंड मास्टर निहाल सरीन ने साथी भारतीय जीएम रौनक साधवानी को 17.5-10.5 से हराकर चेस किट द्वारा प्रस्तुत जूनियर स्पीड शतरंज चैंपियनशिप में अपना खिताब बरकरार रखा। सरीन नवंबर में होने वाले 2021 स्पीड शतरंज चैंपियनशिप के मेन इवेंट में भी प्रवेश किया है। पायस जैन टेबल टेनिस के लड़कों के अंदर 17 वर्ग में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के कारण दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी बन गए हैं। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी हैं। पायस के 3,458 अंक हैं और उन्होंने रोमानिया के डेरियस मुविलिनो को दूसरे नंबर पर धकेला। वह विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले दूसरे भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। उनसे पहले यह उपलब्धि मानव ठक्कर ने हासिल की थी। भारतीय तलवारबाजी स्टार भवानी देवी, जिन्होंने टोक्यो 2020 में इतिहास रचा जब वह ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली भारतीय फेंसर बनी, उन्होंने एक और उल्लेखनीय जीत हासिल की है। भवानी ने व्यक्तिगत महिला कृपाण स्पर्धा में फ्रांस में 4वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती। मध्य प्रदेश की अमी कमानी और तमिलनाडु की वर्षा संजीव ने जीएससी विश्व स्नूकर क्वालिफायर्स की शुरुआती दौर में मैचों में विपरीत अंदाज से जीत दर्ज की। कोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में खेला जा रहा यह टूर्नामेंट भारतीय बिलियर्ड्स और स्नूकर महासंघ का चयन टूर्नामेंट है। गत चैंपियन भारत के लक्ष्य सेन को डच ओपन बैडमिंटन के फाइनल में सिंगापुर के लो केन यू के खिलाफ एकल फाइनल में 12-21, 16-21 से हार का सामना करना पड़ा। दुनिया के 25वें नंबर के खिलाड़ी सेन ने फाइनल तक के सफर में कैनेडा के जियांडोंग चेंग, पुर्तगाल के बर्नार्डो एटिलानो, सिंगापुर की जिया हैंग ते और बेल्जियम की जूलियन कैरागी को हराया था। सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप जीतने के बाद भारतीय टीम की रैंकिंग में हुआ सुधार। टीम एक पायदान ऊपर चढ़कर 106वें स्थान पर पहुंची। सेफ कप के फाइनल में भारत ने नेपाल को हराकर 8वीं बार यह खिताब जीता था। भुवनेश्वर में अगले महीने होने वाली FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप के लिए भारत आने वाली विदेशी टीमों को क्वारंटीन से छूट दी गई है। उन्हें अपने प्रवास के दौरान केवल COVID-19 के लक्षणों के लिए खुद पर निगरानी रखने की जरूरत होगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने महीने की शुरुआत में खेल मंत्रालय के संयुक्त सचिव एलएस सिंह की अनुरोध पर यह निर्णय लिया। राजस्थान यूनाइटेड को बैंगलोर फुटबॉल स्टेडियम में हीरो आई लीग क्वालिफायर 2021 के चैंपियन का ताज पहनाया गया, क्योंकि उन्होंने कैनक्रे एफसी के खिलाफ 0-0 से कड़ी टक्कर दी थी। भारतीय घुड़सवारी महासंघ ने कहा कि उसने 2021-22 सत्र की शुरुआत अगले साल चीन के हांगझाओ में होने वाले 19वें एशियाई खेलों के लिए इवेंटिंग ड्रेसेस और शो जंपिंग चयन ट्रायल से की है। भारतीय खेल प्राधिकरण साई ने कोमोडोर पीके गर्ग को अपनी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। साई की मिशन ओलंपिक इकाई की बैठक में इस नियुक्ति को आधिकारिक मंजूरी दी गई। गर्ग कमांडर राजेश राजगोपालन की जगह लेंगे और 25 अक्टूबर से यह पद संभालेंगे। टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा NIS पटियाला की ट्रेनिंग पर लौट गए हैं। 7 अगस्त को टोक्यो में ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद वह ब्रेक पर थे। वह टोक्यो में एथलेटिक्स में पदक जीतने वाले पहले और ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बने थे।
टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया ने कहा कि उन्होंने घुटने की चोट से उभरने के बाद प्रशिक्षण शुरू कर दिया है, लेकिन इस साल के सीनियर नेशनल 2022 के लिए खुद को बेहतर तरीके से तैयार करने से चूक जाएंगे। दीपक कुमार, शिव थापा और संजीव जैसे खिलाड़ियों की मौजूदगी वाली भारतीय पुरुष मुक्केबाजी टीम 24 अक्टूबर से शुरू होने वाली विश्व चैंपियनशिप के लिए बुधवार को रवाना हो गई है। भारत ने इस चैंपियनशिप के लिए 13 सदस्यीय टीम भेजी है, जो टोक्यो ओलंपिक के लचर प्रदर्शन को पीछे छोड़कर अधिक से अधिक पदक बटोरने का प्रयास करेगी। 2004 में एथेंस पहुंचने के लिए 17 देशों और 15,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद महाराष्ट्र के अनुभवी साइक्लिस्ट संजय मयूर ने भारत दर्शन शुरू किया है, क्योंकि उन्होंने 2 महीने में कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल चलाने की चुनौती ली है। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के साइकिल चालक 67 वर्षीय मयूर 8 अक्टूबर को श्रीनगर के लाल चौक से अपना मिशन शुरू करने के बाद मंगलवार को नई दिल्ली पहुंचे। जूनियर और सब जूनियर राष्ट्रीय एक्वेटिक चैंपियनशिप का आयोजन मंगलवार को होगा, वहीं सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 26 अक्टूबर से शुरू होगी। भारतीय तैराकी महासंघ ने सोमवार को यह जानकारी दी, पिछले साल कोविड-19 महामारी के चलते ही राष्ट्रीय एक्वेटिक चैंपियनशिप रद्द करने के लिए बाध्य होना पड़ा था। भारत के स्टार विंटर ओलंपियन शिवा केशवान आईओसी का हिस्सा बने दिखाई दे सकते हैं। शिवा केशवान ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के खिलाड़ी आयोग का सदस्य बनने के लिए चुनाव में हिस्सा लेने का फैसला किया है। यह चुनाव अगले साल चीन में होने वाले विंटर ओलंपिक के दौरान होगा। आप सभी का बुलेटिन में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते नई खेल खबरों के साथ।